हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। होपफुली आप सब अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे टू फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग गवर्नमेंट के द्वारा किए गए लॉकडाउन को रिलीजियसली फॉलो कर रहे होंगे और ज़बरदस्ती बाहर नहीं जा रहे होंगे टू सेव योर सेल्फ एंड टू सेव योर फैमिली एंड कम्युनिटी। आपने जैसे देखा होगा कि गवर्नमेंट कोरोना वायरस आने के बाद बहुत सारी नई एक्सटेंशंस लेके आई है, चाहे वो आपके रिटर्न्स में एक्सटेंशंस हो या फिर और मतलब मान लीजिए जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी उसकी डेट कि आपको जो 31 मार्च 2020 तक की इन्वेस्टमेंट करनी थी अब वो आप जून तक करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रिलैक्सेशन और बहुत सारी चीज़ें लेके आई हुई है गवर्नमेंट इस टाइम पर। उसी के साथ इन्होंने आज MCA ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है जिसके लिए मतलब बहुत दिनों से बहुत लोग वर वेटिंग। इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया है, दे हैव कम अप विद अ स्कीम विच दे सेज एज कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, यानी एक नई शुरुआत, एक नई पहल ये लोग कर रहे हैं। जितनी भी कंपनी जो नॉर्मली कंप्लाइंट थी लेकिन उनसे कुछ रिटर्न फाइल करनी रह गई या कुछ और रह गया, मार्क माय वर्ड्स, कंप्लाइड कंपनीज के लिए है ये, जिनसे कि कुछ रिटर्न फाइल करनी रह गई तो वो बिना लेट फीस के इसको फाइल कर सकते हैं। अब ये स्कीम है क्या, आपको ध्यान होगा पहले एक एमिनिस्ट्री स्कीम आई थी, उसमें और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एमिनिस्ट्री स्कीम एनुअल फाइलिंग के लिए आई थी और ये जनरली सभी फॉर्म्स के लिए आई है। दूसरा डिफरेंस ये है कि उसमें 25% फीस देनी थी, इसमें आपको फीस नहीं देनी, नॉर्मल फीस देनी है, मतलब पेनल्टी नहीं देनी। तीसरा इसमें बेसिकली क्या है, ये जो स्कीम है ये आपकी 1 अप्रैल से शुरू होगी और 30 सितंबर 2020 तक ये चलेगी। चौथी चीज़ जो इसमें स्कीम में है वो बेसिकली है क्या कि हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर इन्होंने बोला है कि आप सारे फॉर्म फाइल कर सकते हैं तो क्या कोई भी फॉर्म ऐसा है जो इसमें रहेगा, या फिर इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल हमारे सामने आता है वो आता है स्ट्राइक ऑफ कंपनी का। क्या जो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है उन्हें भी हम फाइल कर दें, NCLT का बाकी सारे चक्कर ख़त्म, इतनी सारी जो फाइलिंग फीस देनी थी उसका चक्कर ख़त्म। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एग्जम्पशंस दे दी इसमें से कि भैया एक्सेप्शंस हैं, ये इसमें आप ये फाइलिंग नहीं कर सकते या इसमें ये स्कीम आप नहीं ले सकते, जिसमें सबसे पहली एक्सेप्शन थी एज एक्सपेक्टेड स्ट्राइक ऑफ अगर आपकी कंपनी हो गई है तो आप ये स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरा इन्होंने दो चीज़ों के फॉर्म, एक इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल का और दूसरा इन्होंने चार्ज वाले फॉर्म इस स्कीम से हटा रखे हैं, उनको भी आप इसमें फाइल नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आपके पास कोई आपका केस चल रहा है जिसका ऑर्डर आपके पास आ गया या आप कन्विक्ट हो गए हो, आपके ऊपर पेनल्टी लग गई है, तो उस केस में भी आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील फाइल कर रखी है तो उस केस में आप लोग इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, बट अगर आपने अपील फाइल नहीं कर रखी तो आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। अब इस स्कीम में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी कंपनी थी जिनमें कोई भी रिटर्न पेंडिंग थी उसे आप फाइल कर दीजिए और अपनी कंपनी को एक कंप्लाइड कंपनी बना लीजिए, लेकिन इसमें स्ट्राइक ऑफ वाली कंपनी जो है वो इंक्लूडेड नहीं होंगी। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि इनकेस आपकी जो कंपनी है वो वर्किंग नहीं है या कुछ ऐसी और इश्यूज़ हैं तो उसमें भी आप अपनी फाइलिंग करिए और कंपनीज़ को, अपनी कंपनी को या तो डोरमेंट के स्टेटस पे लेके चले जाइए या फिर उसे स्ट्राइक ऑफ करा लीजिए। तो ये तो था एक बहुत बड़ी पहल जो गवर्नमेंट लेके आई है, एक नई स्कीम जिसमें कि शायद काफ़ी सारे बर्डन हट जाएंगे बट जो स्ट्राइक ऑफ वाली कंपनियां वो अभी भी रह जाएंगी। और प्लस में इन्होंने इस स्कीम में नीचे स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर आपने अभी भी इस स्कीम को अवेल नहीं किया तो उसके बाद ये लोग फिर से आपके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यू स्कीम जिसमें कि शायद बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे और बहुत सारा फ़ायदा भी हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इन केस आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और प्लस आज इस वीडियो से आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग कि इनकेस अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि जो हमें लेना चाहिए या जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, बिकॉज वैसे भी हम लोग लॉकडाउन में हैं तो एटलीस्ट थोड़ी सी नॉलेज शेयरिंग ही कर लें और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा लें आपकी भी और हमारी। थैंक यू सो मच।